अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं YouTube चैनल टू खोसा। दोस्तों को ये बताएं कि आज हम क्या करना है। आज बारिश का भी मौसम है तो यहाँ पर बहुत सर्दी भी है, बारिश भी है। तो दोस्तों को दिखाते हैं जो अपने मुर्गियों के बच्चे हैं शामों के, तो उनके लिए आपने क्या बनाना है। चलते हैं इस मिशन के ऊपर। मिशन में हमने ब्रेड भी डाल के है, वो भी किश कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें अंडा भी डाल के और वो भी करना है, अंडे और ब्रेड आप दोनों करके इसमें क्रश करके, सो आप इसमें मिला के। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा इस तरह जो ये दवाई है, ये बहुत ताकत के लिए है, बच्चों के ताकत के लिए। आप बड़े मुर्गियों को भी डाल सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ही लेना है, ज़्यादा नहीं। तो इसमें मैं मिक्स कर देता हूँ ये, तो आप दोस्त देख रहे हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, इनमें थोड़े से कीड़े मिक्स करने हैं, क्यों ये कीड़े भी मिक्स करने हैं। तो कीड़े बहुत बच्चे जो मुर्गी के हैं वो शौक से खाते हैं। तो इसको हमने क्या करना है, अभी इसके बाद थोड़ा सा चार नंबर खुराक भी डालना है, तो वो भी मिक्स कर देते हैं। तो उसके बाद इसको मिक्स करके ना हम आपके दिखाएंगे तो अपनी मुर्गियों को और जो बच्चे वाले मुर्गियों को किस तरह आपने डालना है। तो ये लाजमी आप सुबह के टाइम, हर वक्त सुबह के टाइम, हर रोज़ दे सकते हैं, क्योंकि इससे आपके बच्चे को जो हीट है वो भी बड़ा हो जाएगा और सो मतलब बच्चे भी ताकत करते हैं और बच्चे जो मुर्गी के होते हैं वो जल्दी बड़े हो जाते हैं, किसी को दोस्त को पता नहीं है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, ये बहुत मज़ेदार है, तो आपको सारा कुछ इसमें पता चल जाएगा। तो ये जो दवाई मैंने इसमें मिक्स की है वो आप पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी दे सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं मुर्गियों की तरफ, जिस तरफ से हमारे बच्चे हैं उनको डालते हैं। तो आप दोस्तों को दिखाते हैं कितना कितना अपने जो मुर्गी के बच्चे हैं उसको आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे जो शामू का मुर्गी है, यहाँ पर एक चूज़ा है शामू का, तो मुझे उसके आगे डालना होगा। थोड़ा सा उसको मैं डाल देता हूँ, तो ये अपने बच्चा जो है मतलब खुशी से खा लेता है। तो हमारे जो है शौक का मुर्गा जो ये यहाँ पर जो सारे मेरे शौक के मुर्गी रखी हुई हैं, तो देखें आप जो है वाइट शामू है और सो इसका बाप था, तो उसके पाँव भी इसके बाल हैं। तो ये अभी छोटा बच्चा है, एक माओ का है, तो माशाल्लाह इसको चार पाँच माह हो जाएंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ज़्यादा नहीं डालना है हमने, थोड़ा सी डालना है, जैसे ये खा ले अपना जो है रज के खा ले, क्यों ज़्यादा इनको डालना भी नहीं है। तो इसको थोड़ा मतलब भूखा रखना होता है, थोड़ा सा इसको डालना होता है दाना। तो चलते हैं दूसरी के मुर्गी के तरफ, जिसके जो बर्मों के बच्चे निकली हैं वो भी आपको दिखाते हैं और उसको भी डाल देते हैं। तो उसको कितना डालना है और शामू मुर्गों को भी डालेंगे, दोस्तों को दिखाते हैं अपने जो मुर्गी के बच्चे हैं उसको डाल देते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, तो यहाँ पर जो ये मैंने पहले मुर्गियाँ निकालनी है, क्यों ज़्यादा तंग करते हैं जहाँ पर मुझे जो है बच्चों को जो मैं डालता हूँ खुराक सो तो उसको डालने नहीं देते हैं। तो ये मैंने निकाल दिए हैं, तो अभी इसको मैं थोड़ा सा ही डालूँगा, तो फिर उसके बाद आप देख लें। तो मैंने सुबह के वक्त सारे मुर्गियाँ निकाल के फिर उसके बाद जो है बच्चों को डालने होते हैं, क्यों अगर उसको खाने नहीं देते हैं। इसमें थोड़ा सा डाल देता हूँ, माशाल्लाह खूबसूरत बच्चे, माशाल्लाह ये बर्मों के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप यूट्यूब पे देखते हैं काफ़ी। तो ये शामू है, शामू के जो है ये छोटा सा बच्चा हमने इसको मिला लिया है, ये बच्चे भी पालता है। तो आप जाके यूट्यूब सर्च कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको कितने के बच्चा मिलता है। तो यार ये थोड़ा बहुत हमारा जो मुर्गा है ये हमारे से साथ मुर्गी को पकड़ते हैं, तो फिर उस वक्त ये हमारे साथ लड़ता है शामू, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही मतलब। तो अभी ये खामोश हो गया है, अभी इसको साथ बच्चा मिला लिया, अभी खुश है। तो चाचा को मैंने पकड़ा, इसको डाल के आप पिंजरे में बंद कर लें, ये अपना खुराक खा लें, जैसे वो बच्चों वाली मुर्गी को खुराक खाने नहीं देता है। तो यार दोस्तों आप इंशाल्लाह इस तरह वीडियो मेरे देखता रहें, तो इंशाल्लाह दोस्तों को अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। इसमें आपने क्या दवाई मिक्स करना है, ये शामू वाइट जो शामू मुर्गी है उसके बच्चे हैं, और ये यहाँ पर मैंने दिखाया था आपको शामू, ये शामू के क्रास के बच्चे हैं छोटे से, अभी तो काफ़ी छोटे हैं। तो यहाँ पर ये खुराक भी मैं इसको डाल देता हूँ, माशाल्लाह ये सारे भूखे हैं बेचारे, खुराक के लिए इंतज़ार में थे। तो इनको डालते हैं अपना खुराक जो है, मज़े से रज के खा लेंगे।
तो पहले आपने क्या करना है, इनको खुराक भी डाल सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं। ये जो है हमारे पास वाइट हीरा भी मौजूद था, आपने देखा है। तो चलते हैं दोस्तों यार, आपको दूसरे तरफ से भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये जो हैं खूबसूरत मुर्गे हैं, यहाँ पर है। सो दूसरी भी आपको दिखाएंगे, तो इंशाल्लाह आप देखते रहें। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो है बदकें भी हैं। तो बदक भी ये खुराक खा लेते हैं, अब अगर डालते हैं तो ये भी खा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ज़्यादा पहचान होगी इन मुर्गियों का। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वाइट हीरा और वाइट शामू भी हैं, सारे कुछ हैं, सारे मुर्गियाँ हैं। लेकिन हम थोड़ा बहुत आप दोस्तों को नाम बताते जाएंगे, और आप सो मतलब आप कमेंट करता रहें कौन कौन सी मुर्गी आपके पास नस्ल मौजूद है। यहाँ पर ये शामू आपने देखा, इससे ज़्यादा सारे हमारे पास जो है मतलब शामू ही हैं, शामू के अलावा हमारे पास कोई मुर्गे नहीं है। तो यहाँ पर इसको भी हम क्या करेंगे, इसको मैं निकालने इसको थोड़ा सिखाएंगे हाथ पे, क्योंकि ये बच्चा है ना, इसको मैंने हाथ पे शौक से सिखाना है। तो किस तरह इसको मतलब दोस्त के शौक़ के लिए रखते हैं मुर्गे, किसी को शौक़ है तो वो बच्चे जब पालते हैं तो उनको सिखाना चाहिए। तो ये बहुत थोड़ा बहुत इससे मैं डरता है, तो इंशाल्लाह इसको थोड़ा हाथ बहुत हाथ पे सिखाएंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा मुर्गा। तो यार क्या करना है, अभी मैंने एक बात सोचा है, तो इस मुर्गे को अपना खुराक भी खिलाएंगे, हाथ पे थोड़ा निकाल के इसको सिखाएंगे। अभी थोड़ा बच्चा है, आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। तो चलते हैं दूसरे तरफ, अभी इसको हमने खुराक भी डाली है, खा ली है। अभी यहाँ पर जो है शामू की मुर्गी था, वो भी निकालने हैं, और जो शामू है मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। तो चलते हैं यार, शामू की मुर्गी को क्या करना है, यहाँ पिंजरे से निकालना है। ये डब्बे में मैंने डाल के रखा है और इसको निकाल के लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है शामू देखता है तो शामू मेरे पीछे पड़ जाता है, छोड़ता नहीं है, क्यों लड़ता है। ये जो है वाइट नस्ल पे थोड़ा बहुत लड़ता है। तो यहाँ पर मैं इसका पहले दरवाज़ा बंद करना होगा, अभी लेके जा रहा हूँ दोस्तों को। अभी क्या करना है, अभी दोस्त खाली इस पर आँख ना पड़े, देखें शामू आ रहा है, पहले से उसने मुर्गी देखा। ये हमारे पास जो है वाइट शामू है, खूबसूरत वाइट शामू है, मादी है, नर नहीं है, फीमेल है, इसकी जोड़ी भी है, माशाल्लाह खूबसूरत है। अभी बेचारी बच्चे दे रहा है, अंडे देने लगेगा इंशाल्लाह। इसका जो ब्रीड है हम भी वो भी कराएंगे, इसके साथ शामू वाइट जो है मुर्गा मिला लेंगे।